हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू फ्रीज कॉलम्स। इफ़ योर टेबल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स, यू मे फ्रीज कॉलम्स सो दैट द फ्रोजन कॉलम्स स्टे इन व्यू एज यू स्क्रॉल अक्रॉस द पेज। फ्रीज कॉलम्स हम तब करते हैं जब हमारे टेबल में बहुत सारा नंबर में कॉलम्स होते हैं, और फ्रीज कॉलम करके हम उन कॉलम्स को फ्रोज कर सकते हैं। फ्रोज मीन्स एक तरह से जैसे हम जमा नहीं देते किसी चीज़ को उस तरह का कि वो अपनी जगह से इधर उधर ना हो, तो वही हो करना होगा कॉलम्स के साथ, जिससे कि हम उनको एक ही व्यू में जब भी हम अपने विंडो में स्क्रॉल बटन यूज़ करें तो वो इधर उधर ना हो, वो वैसे का वैसे ही रहे, और बाकी जिसको मैंने फ्रीज नहीं किया है वो अपनी जगह से क्या करे, हट जाए, इट मीन्स हाइड होता जाए। सो लेट्स चेक इट आउट हाउ टू फ्रीज कॉलम्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द कॉलम्स यू वांट टू फ्रीज। किसी भी काम को या किसी भी ऑप्शन को करने से पहले हमें किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना होगा, तभी कोई चेंजेस उस पर अप्लाई हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमको उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा जिसको हम फ्रीज करना चाहते हैं। देन हमको होम टैब पे क्लिक करना होगा। क्लिक द मोर बटन इन रिकॉर्ड्स ग्रुप और मेन्यू अपीयर्स। रिकॉर्ड ग्रुप जो होम टैब में मिलेगा हमको, उसमें से हम मोर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे मोर बटन पे, तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें हमको फ्रीज वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। क्लिक फ्रीज एक्सेस फ्रीज द कॉलम्स। As you scroll the frozen columns remain stationary। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रीज पे, एक्सेस जो हमारे कॉलम को फ्रीज कर देगा, और जब कभी हम स्क्रोल करेंगे तो स्क्रोल जो है, जैसे ही स्क्रोल करेंगे तो द फ्रोजन कॉलम जितने भी हैं वो अपने फॉर्म में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और बाकी सारे जो कॉलम्स रहेंगे जिनको हमने फ्रीज नहीं किया है वो जो है हाइड होते जाएंगे। So dear students, let's see the picture which is given in your book. First of all, you have to select the column you want to freeze. आपको सबसे पहले कोई कॉलम सेलेक्ट करना होगा, टेबल्स आपको बनाना होगा पहले से फ्रीज और अनफ्रीज करने के लिए। सपोज दैट आपने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्टेड कॉलम जो है वो आपको दिखाता है कि कैसे सेलेक्ट हुआ है, तो वो उसका एक सेलेक्शन बॉर्डर बन जाता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब। आफ्टर दैट द थर्ड ऑप्शन, यू हैव टू गो इन द रिकॉर्ड ग्रुप। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ग्रुप मिलेगा, और उससे आप क्या करेंगे, उसमें मोर नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस पे से आपको एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें से आपको फ्रीज ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कॉलम है वो फ्रीज़ हो जाएगा इस पर क्लिक करते ही। फिर अब जानते हैं कि कैसे जो है हम कॉलम जिसको हमने फ्रीज किया है उसको हम कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम टैब पे जाना होगा। होम टैब पे क्लिक करना होगा अनफ्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्लिक द मोर बटन इन रिकॉर्ड्स ग्रुप। वापस से मोर बटन पे जाना होगा रिकॉर्ड ग्रुप से, एंड आपको फिर उसके बाद एक मेन्यू अपीयर होगी, वहाँ से आपको फ्रीज के जस्ट नीचे ही अनफ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपका जो कॉलम फ्रीज हुआ था एक्सेस उसको अनफ्रीज कर देगा। एक और मेथड से जान लेते हैं, माउस का राइट क्लिक करके भी हम कॉलम्स को फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक्सेस में बहुत सारे टेबल्स, मतलब एक टेबल बनाना होगा जिसमें बहुत सारे फील्ड्स हों, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और कुछ अननेसेसरी कॉलम्स भी आपको बना के पहले से रखने होंगे, जैसे कि ये दिख रहा है अननेसेसरी कॉलम्स ये बने हुए हैं, ये है, ये है, तो ये सारे अननेसेसरी कॉलम्स को ही हम क्या करेंगे, हटाने के लिए फ्रीज का ऑप्शन लेंगे। ये हटेगा तो नहीं, ये बस हाइड होता चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं वो ही हम अपने
फ्रीज करने के बाद देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। सपोज दैट हमने नेम वाला कॉलम जो है उसको सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट हम इस पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे हमको एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें से हम फ्रीज कॉलम्स का को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने फ्रीज कॉलम किया पर सेलेक्ट करके क्लिक किया था तो हमारा जो नेम वाला कॉलम था ये एकदम आगे हो गया। अब हम इंग्लिश मैथ साइंस और सोशल साइंस इन चारों कॉलम को भी फ्रीज कर लेंगे सेलेक्ट करके। सेलेक्ट करने के लिए हमको माउस का कर्सर जो है फर्स्ट कॉलम पे रखते हुए यहाँ पे से रखते हुए और उसको हम क्या करेंगे ड्रैग करेंगे ना। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो वो ये चारों कॉलम हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और अब वापस से फ्रीज कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही फ्रीज कॉलम हमने किया तो हमारा जो ये चारों कॉलम था वो रोल नंबर से पहले आ गया। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कॉलम जो है हमारे पहले हो गया और रोल नंबर वाला बाद में हो गया। तो ये हमारा कॉलम जो है फ्रीज हो चुका है। अब जैसे जैसे हम यहाँ नीचे से जो ये स्क्रॉल बार हमको दिखाई दे रहा है बॉटम में दिखाई दे रहा है इसी को हम जैसे जैसे राइट करते चले जाएंगे राइट लेफ़्ट करेंगे ना तो जितना कुछ है वो सब तो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीज वाले कॉलम्स ही हमको अपने टेबल में नज़र आएंगे और ये सारे कॉलम्स एक के बाद एक हटते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कॉलम को फ्रीज कर लेंगे। और अनफ्रीज करने के लिए भी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो सेलेक्टेड कॉलम्स को हमने फ्रीज किया था उसी को हम सेलेक्ट करेंगे वापस से और माउस का राइट बटन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमको अनफ्रीज ऑल कॉलम्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा और इस पर क्लिक करते ही हमने जो भी कॉलम्स फ्रीज किए थे वो अनफ्रीज हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रीज एंड अनफ्रीज कॉलम्स। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सर्चिंग फॉर डेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।